वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करना है हमने स्क्वायर रूट 121 को। तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं और उसके क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आते हैं। और क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक वन नंबर खुद। ठीक है, तो रूल यहाँ पे ये होता है प्राइम नंबर्स लेने का कि हमने लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है। लीस्ट प्राइम नंबर टू है ना, तो हमने देखना होता है अगर यहाँ पे जो नंबर है ना टू से डिवाइड होता है तो हमने यहाँ पे टू ही लेना है। अगर टू से डिवाइड नहीं होता, सॉल्व नहीं होता, फिर थ्री से चेक करना। थ्री से भी नहीं होता फिर आगे जाना है फाइव पे, फाइव से नहीं होता देन सेवन पे जाना है। डायरेक्ट हमने ये नहीं कहना ये तो इससे सॉल्व हो रहा है तो इससे कर लो। तो ये हमारे पास टू से सॉल्व नहीं होता, बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू ये होता है कि जिस नंबर को चेक करना है डायरेक्टली वो टू से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उस नंबर का लास्ट डेट चेक करो। उस नंबर का लास्ट डेट जीरो या टू या फोर या सिक्स या एट इनमें से होना तो वो नंबर टू से सॉल्व हो जाता है। तो इस नंबर का तो लास्ट डेट वन है, इनमें से नहीं है, ये नंबर टू से सॉल्व नहीं होगा। थ्री से होगा कि नहीं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री होता है कि डिजिट्स को प्लस कर लो। प्लस करने पे ना अगर तो आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि थ्री के टेबल में आता हो, तो थ्री के टेबल में टू वन थ्री थ्री और फोर, थ्री के टेबल में फोर तो नहीं आता ना, तो पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा। फाइव के लिए भी रूल ये होता है कि लास्ट डेट उसका जीरो या फाइव हो जिसको सॉल्व करना है, तो इसका ना तो जीरो है ना तो फाइव है लास्ट डेट। सेवन से हो जाएगा तो ये सेवन से बी नहीं होगा। यस, ये इलेवन से होना है सॉल्व, क्योंकि इलेवन इलेवन कितने टाइम 121 होता है, इलेवन टाइम, इलेवन प्राइम नंबर है अपने टेबल से होगा तो इलेवन वन टाइम इलेवन आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ना यहाँ पे इसको एज ए प्रोडक्ट लिख देना। देन नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, इलेवन टू टाइम है तो इलेवन का स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, इस इलेवन ने स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना है, आंसर आ जाना है स्क्वायर रूट 121 इलेवन के इक्वल आ गया। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए हैं इन पे टॉपिक पे, इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हुई है, सिंप्लीफाई के नेम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।